तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आम देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बनाते हैं एक चटपटा सा अचार। हेलो फ्रेंड्स, अचार का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। फ्रेंड्स, आज हम आम के अचार की रेसिपी लेके आए हैं। आम का अचार सुनते ही हम लोग सोचते हैं दादी नानी वाला अचार खाने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी अचार की रेसिपी शेयर करेंगे और उसी तरीके से जैसे हमारी दादी नानी अचार डालती थी ऐसे ही अचार डालेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, बनाते हैं दादी नानी के टेस्ट वाला आम का अचार। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे आम को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आम को सुखा लिया है और 4 से 5 सूखने के बाद हमारे आम ऐसे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अपने इन आम का सुपर टेस्टी सा अचार डालते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन कटे हुए आमों को हम एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना अचार डालना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गैस पे 1/2 लीटर तेल गर्म कर लिया था, उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ले लिया है। अब मैं इस तेल को इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, थोड़े से तेल को हम बचा के रखेंगे ताकि जिस बर्तन में हमें, जिस जार में, जिस बरनी में हमें अचार डालना है उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड कर सकें। इस तेल को हम हाथ से मिला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने तेल को अच्छे से आम पे लगा लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें तो सारे मसाले एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये धनिया साबुत लिया था, इसको घर में ही पीसा है क्योंकि बाजार में जो धनिया आता है वो बहुत ही बारीक आता है और उससे हमारा अचार का टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चमचे जो हमारा दाल वाला चमचा आता है उससे भर के धनिया ऐड कर दिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मच कलौंजी ली है जिसको हम काला जीरा भी बोलते हैं, इसको भी इसी में ऐड कर दूंगी। मेथी को भी इसमें ऐड कर दूंगी। चम्मच सौंफ को भी इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये 1/2 चम्मच मैंने हींग लिया है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको भी हम अचार में ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच जीरा, जीरा भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जीरे का टेस्ट हर किसी सब्जी में, हर किसी अचार में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। अचार का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है नमक, इसमें हम 2 दाल वाले चमचे नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो आम से लिपट जाएं और हमारा अचार देखने में भी आकर्षक और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आम के अचार में मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए इसी बर्तन में रखा रहने देंगे और फिर अगले दिन हम इसको कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालने के बाद जो भी मसाला आपका बचता है वो कंटेनर में ऊपर से लगा दीजिए, डाल दीजिए, और उसमें ऊपर से 1 चमचा तेल जो हमारा दाल वाला चमचा होता है उससे भर के डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए हमारा अचार अच्छे से बन गया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे खुला नहीं रखना चाहते तो आप एक बोतल में भर के भी इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक जार लेंगे और उसके अंदर इस अचार को भर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये जार लिया है, इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल को गर्म करके ठंडा करने के बाद इस जार में डाल दिया है और इसके पूरे जार में ऐसे घुमा दिया है। उसके बाद हम इसमें अचार ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर अचार को डाल दिया है। अब हम जो बचा हुआ तेल था उसको इस अचार के ऊपर से डाल देंगे।
फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, नमक एक प्रिजर्वेटिव का भी कार्य करता है। फ्रेंड्स अब हम अपने अचार में एक सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा, जो कि है एक चम्मच विनेगर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमारा अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड्स फिर इसे एक मसलिन क्लॉथ से कवर कर देंगे। हम अचार को 5 से 7 दिन के लिए धूप में रख देंगे। और फ्रेंड्स धूप धूप में रखने से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको धूप में रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने घर में अचार ज़रूर बनाइए और इस अचार को रोटी सब्जी नान पराठा पूड़ी हर चीज़ के साथ आनंद उठाइए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के